सिर्फ एक तरफ की न्यूज दिखाती है। हाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स वाले डैन बिल्जेरियन, गोदी मीडिया का रोजगार छीन ले हम, ये तो सिर्फ एंटी मोदी बोलती है, क्योंकि बेटवा इनॉग्रेशन का रिबन कहाँ कटा है ये तुमको मालूम होगा, मगर कब कहाँ जनता का कितना कट गया ये तुमको कोई नहीं बताएगा। लेफ्टिस्ट लिब्रांडू कहीं की, तो राइट में रहकर तुमने कौन सा राइट कुछ कर लिया अपने जीवन में, ये तो सिर्फ आप और कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। सुनो, 2 रुपए की ट्वीट करने के अंधे गधों की फौज अगर निष्पक्ष होने की बात कर रही है ना, तो आयरनी मनाली के पहाड़ों से कूद के आत्महत्या कर लेती है और उसने गांजा भी नहीं फूका हुआ था। तो ट्विटर वॉरियर तक सीमित रहो, बकैती करने की जरूरत नहीं हमारे साथ। और हम एक तरफ की न्यूज इसलिए बताते हैं क्योंकि दूसरी तरफ 90% प्रोपोगंडा होता है सिर्फ। अब केजरीवाल के स्कूल्स में क्या दिक्कत है ये तुमको बता देंगे, मगर एक दलित लड़की को स्कूल जाने पे पीट दिया गया पूरे परिवार समेत, ये तुमको कोई नहीं बताएगा। अब जनता की आस के बारे में तब बात करेंगे ना जब रणवीर की आस से बाहर निकलेंगे लोग, और आज के देश में तो मुसलमान हिंदू से आगे बढ़ के कुछ है ही नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ने से ज्यादा हिम्मत तो सच बोलने की चाहिए। कुछ पापा के परे और परियां भूल जाते हैं ना कि उनके अब्बा जान ने शौचालय बनवा दिए हैं, मगर वो ट्विटर और अपना सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे खुले में शौच करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ की न्यूज बताने वाले इसलिए चाहिए ताकि एक औरत पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के फेमिनिज्म को जलील न कर दे। एक तरफ की न्यूज बताने वाले इसलिए चाहिए ताकि सिर्फ एक ही इंसान की मन की बात ना चले ना। एक तरफ की न्यूज बताने वाले इसलिए चाहिए ताकि पत्रकार कहने वाले लोग गुल्लू और तिहाड़ी जैसे जर्नलिज्म का गला ना घोंट दे। तो एक काम करो, अपना उठाओ फोन, 2 रुपए का ट्वीट करो, हगो मतलब, मगर मॉरालिटी की बात कर, किस मुंह से कर रहे हो, ऊद बिलाव और चमगादड़ जैसा मुंह है तुम्हारा, बात कर रहा है मॉरालिटी की, धत।